आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि एक कागज किस तरह से स्थायी और अस्थायी संतुलन में किस तरह से अपना योगदान दे सकता है। एक ही कागज होगा, वो एक विशेष स्थिति में अपनी विशेष स्थिति में भार को सह नहीं पा रहा, लेकिन दूसरे स्थिति में वो भार को टिका लेता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अगर हम इस कागज को लें और इस कागज को हम यूं रख देते हैं, इस पर हम कोई भार रखने की कोशिश करते हैं, जैसे ये किताब है, इसको हम रखते हैं इसके ऊपर, बीचों बीच टिकाते हैं, तो हम देखेंगे पुस्तक गिर जाती है। किसी भी तरफ हम टिकाना चाहेंगे, ये देखिए पुस्तक गिर जाती है, देखा आपने। लेकिन जब हम इसी कागज को हम गोल कर देते हैं, गोल करके एक सिलेंडर बना लेते हैं और इस सिलेंडर को हम रबड़ बैंड भी लगा देते हैं। अब इसको हमने सिलेंडर को ऐसे रखा और इस पुस्तक को हमने इस पे टिकाया, ये देखिए पुस्तक आराम से इस पे टिक गई। अगर हम इस पे एक पुस्तक और भी रखते हैं तो भी ये देखिए पुस्तक इस पे टिक गई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने अब आधार का जो क्षेत्रफल है इसको बढ़ा दिया। अगर आधार का क्षेत्रफल ज्यादा होता है तो उसपे दाब कम पड़ता है, दाब उसमें चारों तरफ बढ़ जाता है। और इसमें क्या स्थिति होती है कि जो भार है इसका जो गुरुत्व केंद्र है तो एकदम बीच में होता है, तो यहां से गुरुत्व केंद्र जो है इस सिलेंडर के ठीक बीचों बीच आ जाता है और ये एक स्थायी संतुलन की स्थिति है। और स्थायी संतुलन की वजह से ही जो किताब है इसके ऊपर आराम से टिक जाती है। देख रहे हैं आप, एक ही नहीं एक से ज्यादा किताब भी रखते हैं तो भी किताब आराम से टिक जाती है, क्योंकि एक जो सिलेंडर है अब एक स्थायी संतुलन की स्थिति में है। इसके बाद मैं दिखाता हूं कि यही कागज अगर हम एक खास स्थिति में रख के किसी खास स्थिति में मोड़ते हैं तो क्या होता है। जैसे अब ये दो जार हैं, चौड़े मुंह के जार, इस पर हम एक कागज रखते हैं, ऐसा हमने कागज रख दिया। अब हम इसके ऊपर कोई भार रखने की कोशिश करते हैं, जैसे ये किताब, तो आप देखते हैं कि किताब नीचे गिर जाती है। देखा आपने, किताब किसी भी तरह से टिक नहीं पाती, इसको उल्टा करके रखें और फिर हम इसको रखने की कोशिश करें, टिकाने की कोशिश करें, तो अभी जो किताब है इस कागज पे टिकती नहीं है। लेकिन अगर हम इस कागज को मोड़ दें, इसको इसी तरह से मोड़ दें, ये देखिए। अच्छा हुआ क्या, जब हमने इस कागज को इस तरह से मोड़ दिया तो इसमें आप देखा, जैसे मैंने पहले बताया कि ये खांचे बने हैं, तिकोने आकार की है, देख रहे हैं, और ये हैं उभरे हुए भाग जिन्हें शहतीरे यानी कि बीम कहते हैं अंग्रेजी में, इसको कहते हैं बीम, और ये शहतीरे हैं। जब पुस्तक को हम इसके ऊपर रखते हैं तो आप ये देख रहे हैं कि पूरे कागज पे पुस्तक का भार नहीं पड़ रहा है, सिर्फ इन बीम्स के ऊपर पड़ रहा है। इससे हुआ क्या, जो भार था वो बढ़ गया, थोड़ा भार इस बीम के ऊपर पड़ रहा है, थोड़ा इस बीम के ऊपर पड़ रहा है, थोड़ा इसके ऊपर पड़ रहा है। इसके अलावा क्या होता है, क्योंकि ये तिकोना हिस्सा है, देख रहे हैं, तो जब भार हम इस पे डालते हैं, दबाव इसे पड़ता है तो दबाव सीधे नीचे नहीं जाता है, दबाव आधा इस तरफ बढ़ जाता है और आधा इस तरफ बढ़ जाता है। इससे क्या होता है कि भार कई भागों में बट गया, जो भार के कारण जो दबाव था वो कई भागों में बट गया, शहतीरों पे अलग अलग भाव पड़ने लगा और जो नीचे के बजाय इधर और इधर दाब पड़ा। इसी बटने के कारण जो दाब जो बट जाता है जो पुस्तक है, इसी कारण इस मुड़े हुए कागज पे आराम से टिक जाती है। ये देखिए,